कंसेप्ट सभी को क्लियर होगा। और देखिए, अब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 को हमने कंपाइल करा और यहाँ पर क्या करा, रन करा, कि हम ये चाहते हैं कि हमारी इस फ्रेम पर कहीं पर भी जो हमारे पास एक और इमेज रखा हुआ है, उस इमेज का नाम है यहाँ पर फूड डॉट पी एन जी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट विंडो है ना, इस पर कहीं पर भी वो फूड वाला इमेज आकर क्या होना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए कहीं पर भी तो हमें क्या करना है कि दो रैंडम नंबर जनरेट करना है। और ऐसा करने के लिए हमने क्या करा कि दो वेरिएबल लिया, और उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 को हमने यहां पर सेव कर दिया 8 नंबर के नाम से, डेमो 8 डॉट जावा। ठीक है, कुछ ही है। और इतना होने के बाद हमने क्या करा कि यहां पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया R1 इक्वल टू 0 और R2 इक्वल टू कितना, 0। एग्जाम्पल नंबर अपना 8 है। यहां पर हमने क्या करा कि एक फंक्शन बनाकर तैयार करा, void random demo, और जो अपना रैंडम डेमो नाम का फंक्शन है, R1 इक्वल टू मैथ डॉट राउंड, और इस कोड को हमने AWT के वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट रैंडम इनटू 45 प्लस 1, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 46 तक का नंबर यहाँ पर जनरेट होने वाला है। और हमने यहाँ पर लिख दिया R1 इक्वल टू R1 इनटू 20। टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यदि 1 जनरेट होता है तो उस कंडीशन पर पॉइंट क्या मिलने वाला, 20। और यदि 2 जनरेट होता है तो उस कंडीशन पर कितना मिलने वाला है, 40। ऐसे हमने R2 के लिए भी कोड करा। ठीक है, और यदि 46, तो 46 यहां पर जनरेट होता है तो 46 इंटू 20, सभी को यहां पर क्लियर होना चाहिए, 920। तो अपना जो फ्रेम का विड्थ हाइट है वो कितना चल रहा है यहां पर, 1000 बाय 1000। तो उसी के अंदर आकर क्या करवाना है, हमें डिस्प्ले करवाना है अपने फूड को। तो कुछ हमने क्या करा, ये पॉइंट को यहां पर जनरेट करा। अब इतना होने के बाद हमारे पास जो इमेज है, उस इमेज का नाम क्या, फूड डॉट पी एन जी। और हमने क्या करा, यहां पर एक और वेरिएबल बनाकर तैयार करा, IMG3। देखो, आपके पास कॉपी पर कोड लिखा हुआ होगा तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा कि आगे हम कहां पर और क्या एडिट कर रहे हैं। फूड और इमेज नंबर 3 कुछ ये, फूड फूड। ठीक है, और इतना होने के बाद हमने क्या करा, यहां पर अपने इस फंक्शन को कॉल करा जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, रैंडम डेम। और अब क्या करना, हमें यहां पर इमेज को डिस्प्ले करवाना है। तो फूड वाला इमेज को हम डिस्प्ले करवाते हैं। हमने लिखा यहां पर जी डॉट ड्रॉ इमेज, पैरामीटर यहां पर जो हमने पॉइंट जनरेट करा, R1 R2 R1 और R2, और इमेज का नाम है यहां पर फूड। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 को हम यहां पर कंपाइल करते हैं। अच्छा, और यहां पर एक बार कोड देखते हैं हम, R2 यहां पर आना चाहिए। ओके, डन।
ठीक है, बाकी करेक्ट है, ओके डन। एग्जाम्पल को अब हमने क्या करा, यहाँ पर कंपाइल करा, एग्जाम्पल नंबर 8 है, और हमने क्या कर दिया, इसे यहाँ पर रन कर दिया। तो अभी इससे कंडीशन पर बिल्कुल आपका ये फूड आकर क्या हो गया है, डिस्प्ले हो गया है, लेकिन ठीक है, अब जितने बार प्रोग्राम को रन करेंगे उतने बार रैंडम नंबर जनरेट होने वाला है, इसलिए वो डिफरेंट लोकेशन पर आकर क्या होने वाला है, डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है। और हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि जैसे ही फूड के ऊपर से अपना ये स्नैक जाता है तो फूड ऐड हो जाना चाहिए, मतलब डॉट क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो चलिए इसका कोड भी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने यहाँ पर कोड लिखा है इसको क्या करना है, आपको नोट करना है। और हमने यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है, दो वेरिएबल यूज करा, R1 R2, फूड वाला इमेज, रैंडम डेमो नाम के फंक्शन को कॉल करा, ठीक है, फंक्शन भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं, क्लास के अंदर क्या कहते हैं मेथड सभी को पता है, और इस मेथड पर कुछ ये कोड किया हुआ है, और सिर्फ इमेज को क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया कुछ ये।